हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज अपन वोकेशनल गाइडेंस के बारे में पढ़ेंगे। वोकेशनल गाइडेंस क्या होता है? असिस्टिंग गिवन टू स्टूडेंट्स इन द चूजिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर सुटेबल वोकेशन, मेकिंग डिसीजन एंड प्लानिंग फ्यूचर्स एंड करियर डिसीजन। तो देखिए, इसमें क्या होता है वोकेशनल, इसमें व्यवसाय से संबंधित होता है कि स्टूडेंट अपने जीवन को लेकर चिंतित में होता है। तो वो को सोचता है कि अपने जीवन में क्या करना है, क्या मुझे वोकेशनल चुनना चाहिए, किसके बारे में मेरे को अच्छा लगता है, कौन सा रुचि है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ऐसे जो व्यक्ति को अग्रसित करता है ऐसी चीज के लिए, वो कहलाता है आपको वोकेशनल गाइडेंस। इसमें देखिए, असिस्टिंग गिविंग टू द स्टूडेंट, इसमें छात्र को दिया जाता है चूजिंग यानी चुनने के लिए, एंड प्रिपेयरिंग फॉर ए सुटेबल, तैयार करने के लिए, चुनने के लिए और तैयार करने के लिए ऐसे छात्र को वो दिए जाते हैं फंडामेंटल्स, वोकेशनल मेकिंग ए डिसीजन, कि वो अपने जीवन का व्यवसाय चुन सके। यानी वो, उसको स्वतंत्रता होती है, वो अपने जीवन में कैसे व्यवसाय चुन सकता है, जैसे उसको इंटरेस्ट पे लगता है वैसे। मेकिंग डिसीजंस एंड प्लानिंग फ्यूचर एंड करियर, यानी उसके जीवन के आने वाले जीवन के लिए एंड करियर और करियर के लिए प्लानिंग करके उसको अपने डिसीजन के लिए उसे क्या किया जाता है, चुनने के लिए एक रूप से अध्ययन करने के लिए उसे सहमति यानी अपने आप को दी जाती है। यानी वो खुद चुने, खुद सोचे कि मुझे क्या करना है हिमसेल्फ। नेक्स्ट देखिए, ये तो आपके हो गए वोकेशनल गाइडेंस क्या होता है ना, इसके बारे में पढ़ लिया। अब इसके पास लिए एक कमांड दिया, क्या कहावत है, फिटिंग्स राउंड पेज इन द राउंड होल्स एंड स्क्वायर पेज इन द स्क्वीज होल्स। देखो ये क्या कहना चाहता है, फिटिंग डाउन पेज इन राउंड, यानी व्यक्ति फिटिंग होता है, फिटिंग यानी एक स्थायी रूप होता है, वो अपने जीवन के लिए राउंड करता रहता है, यानी अपने जीवन स्टेप बाय स्टेप वो चलता रहता है पेज इन द राउंड। जैसे पेज चलते रहते हैं ना, पेज को पलटते हैं, वैसे व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। और फिर क्या होता है, स्क्वायर पेज, और स्क्वायर पेज करके उसको अपन क्या कर देते हैं, एक होल के रूप में बढ़ा देते हैं। तो ऐसे ही हमारी क्या है, वोकेशनल गाइडेंस है, इसी के बारे में ये परिभाषा डेफिनेशन कही गई है। अब इसके देखो एम क्या होता है, उद्देश्य, एम एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द वोकेशनल गाइडेंस, इसके उद्देश्य और विषय वस्तु क्या होती है, इसके कुछ पॉइंट है उसको देखना। स्टूडेंट्स टू द अक्वायर सच नॉलेज, ऐसे ज्ञान में छात्रों को प्राप्त किया जाता है कौन सा ज्ञान, ऑफ द करेक्टर जो उनके विषय करेक्टर से संबंधित है, एंड फंक्शन से संबंधित है, जो ड्यूटी उससे संबंधित रखती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसके जीवन में क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रिवार्ड ऑफ ऑक्यूपेशंस विद इन द रेंज ऑफ दिस चॉइस। यानी कहने का मतलब यह है, इस छात्र को ऐसे क्षेत्र में ज्ञान दिया जाता है जिसमें वो अपने जीवन को, चरित्र को अच्छा बना सके, अपने जीवन को एक उत्तरदायित्व तो फैमिली में वातावरण को ढाल सके, एंड रेंज ऑफ द चॉइस, और अपने क्षेत्र को एक विस्तृत रूप में फैला सके। तो ये आपका क्या कहलाता है, एंड इसका उद्देश्य होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, असिस्टिंग द पीपल्स ऑफ डिस्कवरी इज वन एबिलिटी। देखो यहाँ पे ये आ गई है कि छात्र को इसमें ये, इसका उद्देश्य वोकेशनल गाइडेंस का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ये होता है कि छात्र को क्या किया जाता है, उसको उसको हिमसेल्फ यानी स्वयं को उसकी योग्यता के अनुसार उसको खोजबीन करने के लिए कहा जाता है। यानी वो खुद स्वयं इसमें खोजबीन करे और खुद सोचे कि मुझे क्या करना है। तो ये आपका इसका मेन उद्देश्य माना जाता है। एंड स्किल्स एंड द फिट देम इन टू जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्यूपेशन, यानी उसके जो सामान्य रिक्वायरमेंट होती है, सामान्य जो सहायक होती है, वो इसके लिए ऑक्यूपेशनल में साबित होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, असिस्टेंट द मेंटली हैंडिकैप्ड, जो मानसिक रूप से विकलांग है, हैंड हाथ से विकलांग है, मानसिक रूप से विकलांग है, उनके लिए सरकार क्या करती है, समय समय पर वोकेशनल व्यवसाय के लिए, या इकोनॉमिक्स जिसके पास इकोनॉमिक्स की कमी है, उनके लिए क्या करता है, समायोजन रूप से जीवन फंडामेंटल्स दिए जाते हैं। यानी उनको क्या करने के लिए, समायोजन करने के लिए, कि वो अपने जीवन में अपने आप को क्या कर सके, समायोजन वातावरण के अनुसार डाल सके, है ना। थर्ड पॉइंट इसका लास्ट पॉइंट देखिए, सेकंड लास्ट देखिए, गिविंग द असिस्टिंग द ड्यूरिंग स्कूल ईयर सो दैट द इंडिविजुअल विल बी एबल टू एडजस्ट टू ऑन दैट। क्योंकि छात्र के जीवन में जैसे वो 10th 9th 10th 11th 12th में जाता है, तो उसको पहले से ही डिसाइडेड कर दिया जाता है कि आपको किसमें, किस क्षेत्र में जाना है, यानी किस जॉब के किस क्षेत्र में जाना है। तो पहले से उसको क्या कर दिया जाता है, गिविंग असिस्टेंस ड्यूरिंग द स्कूल ईयर, यानी उस स्कूल के टाइम से उसको गाइडेंस दे दी जाती है कि बच्चे आपको इस लाइफ में जाना है जॉब के लिए। तो पहले से इसमें डिसाइडेड कर दिया जाता है,
इसका लाइफ पॉइंट देखिए, क्वेश्चनिंग द ईच लर्नर कंसर्न, प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, अधिगम में कंसर्न होता है, चिंतित होता है, सोच विचार करता है, फैक्ट अपने तथ्यों को लेकर, फैक्ट फैंस है ये, है ना, फैंस फैक्ट्स एपीसीटी है, फैक्ट्स है क्या होता है, तथ्य, अपने तथ्यों को लेकर कम चिंतित करता है, एंड पिशुडिंग साइंटिस्टिक, और झूठे जो साइंटिस्टिक होते हैं उनके पर विश्वास नहीं करता है, तो वोकेशनल कंपिटिशन, और वह अपने व्यवसाय में रुचि रखने लग जाता है। ये इसके पॉइंट हो गए, है ना। इसके बाद में अपन कुछ और पॉइंट लेंगे, वोकेशनल गाइडेंस, फिर इस प्रकार से अपने वोकेशनल गाइडेंस फिनिश होती है, फिर इसके बाद में दूसरी गाइडेंस लेंगे, या तो लाइक एंड शेयर प्लीज माय वीडियो, इसी प्रकार अपन मिलते रहेंगे। ओके।